हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे और साबूदाने से पूरी। उसके लिए हमें चाहिए उबली हुए आलू। आलू हमारी एकदम ठंडी हो चुकी है और 2 घंटे पहले हमने साबूदाना भिगो दिया था। और चाहिए सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक। सबसे पहले आलूओं को हम मैश करेंगे। आलू हमारी मैश हो चुकी है और उसमें डालेंगे हम सिंघाड़े का आटा। आटे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आटा हमारा मिक्स हो चुका है और अब डालेंगे इसमें साबूदाना। साबूदाने को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। सभी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसमें डालेंगे हैं नमक। नमक सबसे हम लास्ट में डालेंगे, नहीं तो आटा हमारा गीला होने लगता है। नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। और इसमें चारों तरफ घी लगाकर आटे में हम रख देंगे इसको। ये देखिए, चारों तरफ हमने इसमें घी लगा दिया हुआ है। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और छोटी सी इसकी लोई तोड़ेंगे और हाथों से गोल गोल घुमाते हुए इसको गोल कर लेंगे और हाथों से प्रेस करते हुए धीरे धीरे इसको बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाती है पूरी हमारी। ये देखिए, पूरी हमारी बन चुकी है और हमारा घी भी अब गर्म हो चुका है। इसमें धीमे से हम इसको डाल देंगे। इसको चारों तरफ से हम हिला देंगे। पूड़ी हमारी तरफ से पक चुकी है, इसको हम पलट देंगे। अब दूसरी तरफ की भी इसको अच्छे से पका लेंगे हम। पूड़ी हमारी पक चुकी है, इसको अब हम निकाल लेंगे। दूसरी पूड़ी को भी इसी तरह से पकाएंगे हम। पूड़ी को अब हम पलट देंगे।
पूड़ी के दोनों तरफ से अच्छे से हम पका लेंगे इसको। पूड़ी हमारी पक चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे और अब बनकर तैयार है सिंघाड़े के आटे और साबूदाने से पूड़ी। दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।